नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां उजियारपुर थाना क्षेत्र के बेलारी हाई स्कूल के पास बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने निजी फाइनेंस कर्मी को गोली मारकर बुरी तरह घायल कर दिया तथा रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गया। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर आसपास के लोग भी घटनास्थल पर जुटने लगे। देखते ही देखते हजारों की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि अपराधियों ने फाइनेंस कर्मी को दो गोली मारी है, जिसमें से एक गोली गला में तथा एक गोली जांघ में मारी है। घटना की जानकारी मिलते ही उजियारपुर थाना अध्यक्ष विश्वजीत कुमार तथा एसडीपीओ दल सिंह सराय दिनेश कुमार पांडे घटनास्थल पर पहुंच स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल युवक को इलाज हेतु सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज मामले की छानबीन में जुट गए हैं। घायल युवक की पहचान वैशाली जिला के महुआ थाना क्षेत्र के स्थानीय निवासी शंभू झा के 32 वर्षीय पुत्र आदित्य कुमार झा के रूप में की गई है, जो विगत दो वर्षों से शुभ लक्ष्मी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत थे। घटना के संबंध में घटनास्थल से कुछ दूरी पर खड़ी एक 10 साल की एक बच्ची का कहना है कि घटनास्थल के पास ही वह बकरी चरा रही थी, जहां पहले से एक बाइक पर सवार दो युवक भी खड़ा था। अचानक बेलारी हाई स्कूल चौक की ओर से आ रहे मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक को पहले से इंतजार कर रहे दोनों युवकों ने रोका। उस युवक के रुकते ही दोनों युवक उससे बैग छीनने लगे, जिसका विरोध करने पर अपराधियों ने उसे गोली मार दी तथा बैग छीनकर भाग गए। गोली की आवाज सुनकर वह भी रोड पर से खेत की ओर भाग गई। घटना के संबंध में एसडीपीओ दिनेश कुमार पांडे ने बताया कि निजी फाइनेंस कर्मी को गोली मारी गई है, चूंकि घायल व्यक्ति अभी कुछ भी बोलने के काबिल नहीं है, इसलिए कितने रुपयों की लूट हुई है जानकारी नहीं मिल पाई है। घायल युवक को इलाज के लिए पटना पीएमसीएच भेज दिया गया है। अपराधियों के संभावित ठिकानों पर छापामारी शुरू कर दी गई है, जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं उजियारपुर थाना की जामबाज पुलिस कर्मियों में शामिल थाना अध्यक्ष विश्वजीत कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक एलवेस्टर खलको, प्रियंका कुमारी सहायक पुलिस अवर निरीक्षक, करुण सिंह सहित अन्य कर्मी भी पूरे जिला की नाकेबंदी कर छापामारी करने में जुट गई है। अभी तक के लिए बस इतना ही, कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए न्यूज 20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। सुबह जी का है तो दुकान में है, दुकान में है, गोली लगे ले नहला काफी थूक लिए दुकान में, देसी नहीं चलते। हां दो तीन वेले रहता है दुकान के कर लेके हैं। हां ऐसे समुदाय के द्वारा किया जाएगा। हाँ। गोली लगी है, हम लोग मिनट भी नहीं हुआ पहुँच। क्या जानकारी मिली थी? ये कौन है जिनके साथ घटना हुई? ये फाइनेंस कंपनी का कोई। क्या आप लोगों को क्या सूचना क्या मिली? सूचना मिली कि एक आदमी को गोली लगी, हम लोग 5 मिनट वहाँ पहुँच गए। रहने वाले स्टाफ शुभ लक्ष्मी फाइनेंस में काम करते थे और कलेक्शन करके लौटे थे। कैसे पता चला आप लोग? आप लोग क्या जानकारी मिली? हमें जो है कल आई थी, जो है उनको गोली लगी है, बस यही जानकारी हुआ। हम लोग दौड़ के जो है सेंटर पे गए, पता चले कि नहीं मिला। बाद में पता चले कि हॉस्पिटल जो है आए हुए हैं, हम लोग हॉस्पिटल गए। देखिए कहाँ के रहने वाले हैं ये तो हम लोगों को नहीं मालूम हुआ, लेकिन बेलारी हाई स्कूल चौक उजियारपुर थाना अंतर्गत से गाँवपुर जोगी चौक रास्ता जाने वाला में बेलारी चौक से लगभग 400 मीटर दूर फांका है। वही फांका में इनको जो है सो कोई अननोन लोग गोली मार दिया। हम लोग थोड़ा वहाँ से दूर घर हुआ, लेकिन वहीं से फ़ोन की हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, फ़ोन हुआ, हम वहाँ से आए, उसी जगह पड़े हुए थे, लेकिन वहाँ के और ग्रामीण लोग उनको पकड़े हुए थे। हम लोग उनको उठा करके पैदल ही लेकर के जो रोड उधर बढ़े, फिर उधर से गाड़ी आ रहा था, तब तक थाना अध्यक्ष भी आ गए थे और गाड़ी को रोक करके उस पर लाद करके हम लोग सदर अस्पताल।